सारे दर्शकों का स्वागत है ते मैं थोड़ा अपना हरेश मेहता। तो जिवें कि तुहानू पता है कि सावन महीने के हर सोमवार को असीं एक शिव भगवान जिहड़े भोलेनाथ आ उन्हां दे पुरातन मंदिर जिस मंदिर का कोई सदियां पुराना इतिहास जुड़िया हुंदा आ उहदे दर्शन भी कराने आ ते उहदे इतिहास बारे भी जाणू करवाने आ। ते अज इसे कड़ी के चलते असीं पहुंचे हाँ गगरेट के कोल जिहड़ा मंदिर आ शिव बाड़ी जिहनूं शिव की बाड़ी भी कहा जाता है। उस शिवबाड़ी के जो पुजारी जी है मौजूद है। पुजारी जी की नाम है तुहाडा? मेरा नाम जी अजय शर्मा जी। अजय शर्मा जी स्वागत है तुहाडा साडे चैनल ते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जी। अजय शर्मा जी की इस मंदिर का इतिहास है? इस शिवजी बाड़ी तो है ना शिवबाड़ी का मंदिर है। ये मंदिर है जी बहुत प्राचीन है। आज तो 5000 साल पहले जिदा साडे बुजुर्गां ने दस्सिया है ये मंदिर जरा जिन्ना भी जंगल है गुरु द्रोणाचार्य की नगरी हुआ करती थी और गुरु द्रोणाचार्य जी यहाँ पे परिवार सहित अपने बच्चों सहित यहाँ रहते थे। उनके बच्चों का उसमें उनके बेटे का नाम था अश्वत्थामा और लड़की का नाम था जिया। तो वो शिव जी के भगत थे। हर रोज जो साधना से कैलाश पर्वत पर शिव जी महाराज को पूजा करने जाते थे। इसी क्रम में जब हर रोज जाते थे तो बच्चों ने पूछा कि पिताजी आप स्नान वगैरह हुआ करते हो और कहाँ चले जाते हो? तो भी कहते पिताजी ये थे आपके साथ चले जहाँ भी आप जाते हो। गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मैं तो कैलाश पर्वत पर जाता हूँ योग साधना से तपस्या के बल से। आप अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचे कि आप योग साधना से हमारे साथ चलो। तो आप यहीं पर बैठ कर घर पर बैठ कर अपने शाय का पाठ करो। आपको भी किसी ने चलेंगे आने वाले। बच्चों ने निष्काम भाव से जहाँ पूजा पाठ किया भोले शंकर जी का उन्नमशा का पाठ किया तो भोले शंकर जी प्रसन्न हुए। उनकी तपस्या को देखे वो बाढ़ बढ़ने में हम पहुंचे तो देखा कि बच्चे तो किसी चीज़ की इच्छा से तो पूजा कर नहीं रहे। इनकी को क्या इच्छा पूर्ण की जाए? जब उठे तो वो बालक रूप में उनके साथ खेले खुले चले गए बच्चों को खेलने खुलने की इच्छा। हर रोज इसी क्रम से जब गुरु द्रोणाचार्य जी सुबह चले जाते बच्चे जब पूजा पाठ करने बैठते तो वो शिव जी महाराज भोले शंकर जी जो है वो बालक आते और बच्चों के साथ खेलते चले जाते। कुछ दिनों के बाद बच्चों ने कहा कि पिताजी जब आप चले जाते हो तो पीछे से छोटा सा बालक आता है हमारे साथ खेल कर चला जाता है मगर पता नहीं होता। अगले दिन जब गुरु द्रोणाचार्य जाने लगे तो उनको ध्यान आया कि बच्चों ने पता नहीं हाँ बालक आता तो देखना चाहिए कौन बालक है। वो रास्ते से वापस आके जब आकर देखा उन्होंने पहचान लिया एकदम तो नमस्कार की चरण पकड़ लिए। बोले कि महाराज ये क्या लीला है? मैं तो आपकी पूजा पाठ करने कैलाश पर भी जाता हूँ और आप यहाँ देखिए। तुमने कहा कि मेरे को बच्चों ने यहाँ पे याद किया मुझे तो यही आना दूर हो गया। बच्चों को पता चला कि ये भोले शंकर हैं बात में आते हैं उन्होंने चरण पकड़े का हमारा जहाँ से जाना भी है यहीं पर आपकी पूजा पाठ किया करेंगे और यहीं पर हमारे साथ ही खेलोगे यहीं पर। भोले शंकर ने कहा कि मेरे को कोई भक्त है जहाँ भी मेरे को याद करें मेरे को जाना। फिर उन्होंने इस जो पिंडी का स्वरूप आप देख रहे हो जो है इसकी उन्होंने स्थापना की और कहा कि इसी जगह पर मेरा वास रहेगा। जब भी आप मुझे याद करोगे कि गुरु जी अब खेलने का समय हो गया पूजा का समय यही से तो जैसे देखा और उन्होंने वचन किया कि मैं 30 दिन जहाँ पे गुरु विराजमान रहा तो वो दिन है बैसाखी के बाद एक शनिवार छोड़ के दूसरा शनिवार। अब इस साल में जैसे बैसाखी होती है बैसाखी आती है जो भी दिन आएगा उसके बाद जो पहला शनिवार छोड़ दो दूसरे शनिवार को जहाँ पर मेला लगता है उसी उपलक्ष्य और लोग आते हैं दूर दूर से पंजाब से हिमाचल से आस पास के गांव से नीचे दुकानें लगती हैं मेला भी लगता है तो लोग उस दिन मनाने भी करते हैं कि भोले शंकर किसी न किसी रूप में यहाँ पर विराजमान होंगे और हमारा प्रसाद ग्रहण करेंगे हमारी जो भी इच्छा होगी। उस दिन लोग इस मनोकामना से आते हैं कि भोले शंकर किसी न किसी रूप में हमको दर्शन देंगे तो जो भी आता है उस कामना से होती भी है ऐसी बात नहीं कि जो मन उस दिन लोग संकल्प लेते हैं कि लोग पूजा पाठ करते हैं भोले शंकर जी हमारा जो काम होगा शादी ये सब भोले शंकर देते हैं। उस दिन का दे है बाकी शिवरात्रि का दिन जो है वो तो सभी पर्व मनाते ही हैं पर वो दिन जो है विशेष है बैसाखी के बाद दूसरा शंकर। और इस मंदिर की एक खासियत है जितना भी जंगल है गुरु द्रोणाचार्य की नगरी हुआ करती थी तो जब जैसे जैसे समय तब्दील हुआ तो वो शिवबाड़ी बन गई। बाड़ी एक जंगल है तो उसको बाड़ी बोलते हैं। और इस मंदिर की एक और खासियत है कि इसके चारों तरफ संसार बन जहाँ सीढ़ियाँ ऊपर जाओगे नीचे संस्थान घाट है इस साइड चले जाओगे संस्थान घाट है चारों तरफ से अब तो वेल हो गया ये बाहर बारह मगर संस्थान घाट अब भी है अब भी और इस मंदिर के चारों तरफ चार कुएं भी हैं अब भी है नीचे कुआ है अंदर जंगल के अंदर है चारों तरफ चार कुएं उनका वो पुराने टाइम के है वनरू के टाइम के जैसे है तो उसकी लकड़ी जो है इस जंगल की वो कहीं जाती है
जहाँ मोटा काम और ग्रेड काम है उनका जो है स्थान घाट के लिए ही काम आता है, यही काम है। जब मंदिर में कुछ जाकर भंडारा हो तो हवन हो वो डाल देते हैं, जहाँ देखे बाकी को ले जाएगा भोले शंकर उसका पुण्य को नुकसान कर देंगे, कोई पशुओं को चारा डाल देगा जाके जहाँ चल लेंगे पशु को नाक पर ले जाएगा कुछ बिजनेस परपज के लिए तो उसका पुण्य को नुकसान कर देगा। और इस मंदिर से जब आप बाहर निकलोगे छोटे छोटे मंदिर काफ़ी दिखाई देंगे आपको, संत लोग यहाँ पे रहे जिन्होंने यहाँ तपस्या की है, तो जब वो समाज आते हैं तो उनको शिव को मान के उनकी समाधि में तो जितने भी बाहर मंदिर हैं 30-32 मंदिर हैं, जैसे बाबा बुद्धेवगिरी जी रहे हैं, बाबा गंगागिरी जी रहे हैं, बाबा इच्छागिरी जी हैं, बाबा बुधगिरी जी हैं, जो गिरी परिवार से जैसे रहे हैं यहाँ के संत, तो जब उनका समय हो जाता है पूरा तो उनको दिलाया नहीं जाता तो उनकी समाधि दी जाती है, तो भोले शंकर का रूप मान लिया जाता है क्योंकि संत लोग तपस्या की है तो उनको जलाते नहीं, तो सभी को जो है वो छोटे छोटे जितने भी मंदिर मेन जो पिंडी प्राचीन वो यही है, उसके बाद बाकी सब संत लोगों की समाधि है। इस मंदिर का यही इतिहास है, आज तक सावन महीना चला हुआ है और सावन का आज सोमवार है, आज लोग आ रहे हैं दर्शन कर रहे हैं, जो लोग इसकी कामना होती है उनके लोग आ रहे हैं, आम पास के लोग इस मंदिर का कैसे आमतौर पर देखा जाता है कि शिवलिंग का आकार ऊपर को बढ़ा हो, ये शिवलिंग का आकार इससे ये बहुत प्राचीन है, जैसे कि किसी बुजुर्गों ने बताया था कि जहाँ जब औरंगजेब मंदिरों को तोड़ता हुआ जहाँ पे आए थे तो उन्होंने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, जब तोड़ने की कोशिश की तो ये अंदर चला गया नीचे जमीन के, अभी भी निशान थे जो देखो छोटे छोटे निशान है जैसे किसी ने तोड़े थे या किसी तोड़ने की कोशिश, और अंदर से ऐसी मक्खियाँ निकली थी शहद वाली, जैसे हम गनोर बोलते हैं मक्खियाँ शहद वाली अभी भी बैठती है, कभी इस अलमारी में बैठ जाती है, इधर अलमारी तीस में बैठ जाती थी, अब तो गेट निकल गया तो अंदर बैठ जाती है, भर जाता था, तो हम कभी पूजा करते थे उस पर ऐसा हुआ था कि अंदर से जो मक्खियाँ निकलती गई इतनी निकल गई इतने कीड़े निकले कि उनकी किसी आँखों को मुँह को काटने लगे तो छोड़ के भाग गया, तो वो वहीं का वहीं था, उसको मॉडिफाई कर दिया नीचे, पहले ऊंचा नीचा था थोड़ा बराबर किया नीचे से जैसा भी है, तो जो बताते हैं जैसे देखो ना कि देव ने तोड़ने की कोशिश की थी तो ये नीचे चला गया, तो ये मंदिर का इतिहास है, बाकी बाहर जंगल है सारा सारे लोग समाधियाँ मंदिर जो चलता है। सो ए सी शिवबाड़ी मंदिर गगरेट के कोल जिहड़ा चंदकोनी रोड से स्थित है उसका इतिहास, तो जिस तरह पुजारी ने दस्सिया कि भोलेनाथ को वाकई ही भोला कहा जाता है, कि जे भोला सी तां ओह बच्चियां दे इक आस्था दे नाल भोले रूप विच इत्थे दर्शन दित्ते सी, ते उदों तों ही इह शिवलिंग इत्थे स्थापित किया गया है। तो इस मैनों कैमरामैन जतिन शर्मा जो इजाजत, तो अगले सोमवार मिलेंगे किसी होर प्राचीन शिव मंदिर के नाल जिथे का तुम इतिहास दिखावे, तो सौन महीने के भी तुम भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी करावे। जय शंकर।